सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तमान, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, जब तक कि इस काले कानून को दफन नहीं किया जाता हम इंशाल्लाह उस घर तक आपके साथ खड़े होंगे। और यहाँ पर बिलावल साहब भी मौजूद हैं, मौलान साहब भी मौजूद है, वो भी बात करेंगे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, मियां नवाज साहब की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस घड़ी में हम आपके साथ हैं और आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी मौजूदगी में बिलावल साहब भी कुछ जी, मैं जरा खड़ा होकर सुन रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। हेलो, हम एक बार फिर कायदे हिज्ब इख्तलाफ साहब ने हम सबको इकट्ठा करके आपके साथ एक बार फिर एक सारे यकजहती दिखाने के लिए हम पहुंच चुके हैं। कि मैंने तफसील में तो पहले बात किया था, बट आई वुड जस्ट लाइक टू रिएटरेट कि जहां तक फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात है हम एक पेज पे हैं, जहां तक आपका आज़ादी की बात है हम एक पेज पे हैं, जहां तक आपके हक रोजगार की बात है हम एक पेज पे हैं। जो भी हमसे हो सकता है हम पार्लियामेंट में इसका भरपूर मुखालफत करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता वहां से किसी ना किसी तरीके से ये काला कानून पास हो जाता है तो जैसे मैंने पहले कहा, अदालत से लेके पाकिस्तान के सर्कल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के अपोजिशन के जो जमाते हैं वो आपके साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला ये कठपुतली जल्द इसको पता लगेगा कि पाकिस्तान की सहाफी का आवाज दबाने, पाकिस्तान का बहादुर सहाफी को चुप करना इतना आसान काम नहीं है। और जो जिया का काला कानून नहीं कर सका, जो मुशर्रफ का काला कानून नहीं कर सका, वो किसी कठपुतली का काला कानून भी नहीं कर सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।